सीएम योगी कभी एंटी रोमियो दल बनाते हैं तो कभी बहन बेटियों के लिए खुद सामने आ जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी से जुड़े लोग ही छेड़खानी करने में लगे हैं, बेटी बचाने की बजाय उन्हें सताने में लगे हैं। बांदा में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां दो लड़कियों का जीना बीजेपी विधायक के करीबी ने मुहाल किया हुआ है और विधायक से जुड़ा हुआ मामला होने की वजह से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कैसा एंटी रोमियो, कैसा बेटी बचाओ, खुद बीजेपी वाले सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। बीजेपी से जुड़े लोग ही छेड़खानी से बाज नहीं आ रहे। बांदा के नरेनी से बीजेपी विधायक राज करण कबीर के प्रतिनिधि नंद किशोर से जुड़ा है। नंद किशोर का बेटा अपने दोस्तों के साथ पड़ोस में रहने वाली दो बहनों को छेड़ता है और यह हरकत स्कूल जाते समय रास्ते में बाइक लगाकर पिछले कई दिनों से कर रहा है। मैं जब स्कूल जाती हूँ तो मेरे आगे पीछे बाइक लगाते हैं और अपने दोस्तों को दो तीन लोगों को बैठा के और आगे पीछे करते हैं, बुरी बुरी गालियाँ देते हैं, कहते हैं कि खुद कुकी मारते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो। मैंने कहा ऐसा मत करो, कहते हैं कि मैंने कहा अपनी मम्मी से बता दूंगी। इस बात की जानकारी पीड़ित लड़कियों ने अपने पिता को बताई। जब पिता आरोपियों के घर पहुंचा तो विधायक राज करण कबीर, उनके प्रतिनिधि नंद किशोर और उसके बेटों समेत आधा दर्जन सहयोगियों के साथ पीड़िता के पिता को घर में घुसकर जूते चप्पलों से पीटा। जब हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं तो ये राहुल ब्रह्मचारी नंद किशोर ये उनको छेड़ते हैं रास्ते में बाइक लगाकर। इसके बाद जी बच्चियाँ हमसे बताया तो हम बुलाना भी नहीं गए, तो विधायक राज करण और उसका प्रत्याशी नंद किशोर राहुल पाँच छः लोगों को लेकर के हमको जूतों चप्पल से मारा, बड़ी बुरी बुरी तरह गाली दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम कोतवाली गए तो वहाँ से हमें भगा दिया गया। पीड़िता का पिता FIR कराने कोतवाली गया तो पुलिस ने मामला विधायक से जुड़ा होने के कारण कोतवाली से भगा दिया, लेकिन जब बात मीडिया में आई तो एक हफ्ते बाद मामला दर्ज किया गया, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी भी आरोपी पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसके चलते पूरा परिवार दहशत में है। बांदा से समाचार प्लस के लिए मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट।